राजधानी लखनऊ के KGMU में संविदा कर्मचारियों के साथ डेली उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। इनका ये कहना है कि ये डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, इनका जो तय राशि है उससे कम इनको मिल रहा है पैसा। इनके जो वेंडर्स है वो किसी ना किसी बहाने इनका पैसा काट लेते हैं और इनका वेतन कम कर देते हैं। जब इस बात को श्रम विभाग में ले गया गया तो सामने निकल के आया कि जब ये मीटिंग हुई तो इसमें लमसम 5,000 कर्मचारी सामने आए और 10 वेंडर सामने आए हैं, जिसमें कि मिडिल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अभी इसकी जांच चल रही है, आने वाली 17 अगस्त को क्या निर्णय लिया जाएगा इस पर आगे देखने वाली बात होगी। लखनऊ के KGMU में कर्मचारियों को कम मानदेय देने के मामले की जांच शुरू हो गई। श्रम आयुक्त ने कंपनियों से ब्यौरा मांगा। दरअसल आपको बता दें, KGMU में आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित दर से कम मानदेय देने के मामले की जांच की शुरुआत की गई, जिसमें श्रम आयुक्त ने सोमवार को कंपनी के संचालकों को तलब किया। KGMU में करीब 10 कंपनियों के जरिए 5,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी सहित विभिन्न कैडर के कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित दर से कम मानदेय दिया जाता है। KGMU की आंतरिक जांच में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोप ये भी है कि KGMU प्रशासन और कंपनी संचालकों की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। एक स्वयंसेवी संगठन ने पूरे मामले में शासन स्तर पर शिकायत की तो मामले की जांच शुरू हुई। श्रम विभाग को जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसके बाद जून महीने में KGMU प्रशासन को भी नोटिस जारी हो चुकी। तो वहीं KGMU प्रशासन ने कंपनियों से भुगतान की स्लिप, PF जमा करने की रसीद सहित अन्य विवरण मांगा था। सोमवार को इस मामले में अपर श्रम आयुक्त कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। इससे KGMU के कुल सचिव, सभी 10 आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालक और शिकायतकर्ता फतेह बहादुर सिंह को पक्ष रखने के लिए भी बुलाया गया है। सुभाष चंद्र अवस्थी, और मैं किस पद पे कार्यरत हूँ? यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हूँ। ये बताइए, क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही KGMU प्रशासन द्वारा? ऐसा सुना गया है कि जो तय मानक है सैलरी के, उतनी सैलरी आप लोग को नहीं दी जा रही। जी। और शोषण भी क्या समस्याएं बताइए? शोषण में अब आपके ये है कि ना ही तो हम लोगों को कोई मेडिकल से फैसिलिटियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, ना अवकाश मिल रहा है, और ना ही जो है, जैसे कि महामंत्री जी ने बताया कि जो पैसे वापस ले लेना कुछ कर्मचारियों से कंपनी के, और PF SI ये सुचारू से ESI तो मिल ही नहीं रही। PF कुछ कंपनियां दे रही हैं, बाकी कुछ कंपनियां ESI भी नहीं दे रही, और ना ही छुट्टी मिल रही। आपकी सैलरी कटती है? नहीं, मेरी सैलरी कटती नहीं है, लेकिन मिनिमम मजदूरी से कम मजदूरी मिल रही है। ये हर कर्मचारी का मजदूरी उतनी मिल रही है? नहीं, इतनी नहीं मिल रही है। जी, कितनी कटौती हो रही है? अब इसमें लगभग कटौती कई तरीके से है, जैसे GST काट लेना, 18% GST कर्मचारी की सैलरी से काट लेना, उसके बावजूद भी जो है 5% सर्विस टैक्स लेना उस पर। और ये कटौती किसके द्वारा करी जा रही है? ये सब कंपनी और जो है रजिस्ट्रार के आदेशानुसार की जा रही है। वर्मा, महामंत्री, भारतीय समुदाय आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे तमाम अनियमितताएँ हैं, जैसे कि यहाँ पे कम मानदेय दिया जा रहा है कर्मचारियों को, अवकाश भी उपलब्ध नहीं हो रहा है कर्मचारियों को, और यहाँ पर विभागाध्यक्ष और बाबू की मिलीभगत से जो है कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे 10 एजेंसियाँ कार्यरत हैं, उसके बाद में 2 एजेंसी कस्टोडियल में हैं। जो कस्टोडियल एजेंसी हैं वो अकाउंट में ना तो सैलरी देती हैं, ना उनका APF काटती है, ना उनका ESI देती है, ना उनका बोनस देती है। ठीक है, अगर कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको कहा जाता है करना तो करो, नहीं तो निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे कर्मचारियों को सशोध किया जा रहा है, और अवकाश नहीं मिलता है। अवकाश की बात करो तो बात ये होती है कि अगर करना है तो नौकरी करिए, नहीं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। तो KGMC बाबू और विभागाध्यक्ष के साथ मिल करके कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, और इसी के साथ में हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। क्या पद है आप? संयुक्त मंत्री। ये बताइए, यहाँ कर्मचारियों को तय मानदेय है, जो तय मानक है उससे कम सैलरी दी जा रही है, और भी कई तरह के शोषण किया जा रहा है, क्या कुछ समस्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे समस्या आज की नहीं है, समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है। संगठन इसके लिए कर्मचारियों के प्रति
हर वक्त रातों दिन एक कर रहा है और जितने भी संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सब लोग एक निरंतर इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल से दादागिरी चल रही है। केजीएमयू प्रशासन प्लस जो एजेंसी के मालिक हैं, इन लोग का सीधा सीधा ये फंडा है कि पूरा पूरा पैसा ये हजम करते हैं कर्मचारियों का, और नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा शोषण किया जा रहा है सभी कर्मचारियों का हमारे। और जब संगठन इसके लिए किसी प्रकार से आवाज़ उठाता है तो संगठन के पदाधिकारियों को धमकी दी जाती है कि आप लोग को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। हमारे कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको निकाला भी जा चुका है। और हम लोग यही नहीं, सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं और इस कोरोना जैसे महामारी में हमारे ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस समय निरंतर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी शायद मीडिया में आप लोग के माध्यम से निकला हुआ था कि हमारे यहाँ कोरोना में ड्यूटी करते हुए हमारी स्टाफ नर्स जो कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी थी, बेहोश हो गई थी, उसको बेड तक नहीं दिया गया। तो इस तरह से शोषण किया जा रहा है सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, और इसके लिए हम लोग निरंतर आप लोग के माध्यम से लगे हुए हैं। ऐसी भी खबर है कि मानसिक वेतन जो जितना आपको मिलता है उसमें ठेकेदार कुछ किसी तरह की वसूली करते हैं। जी हाँ, कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों से ये शिकायतें आई हुई हैं, जैसे कि मिश्रा जो एजेंसी द्वारा है वो अपने गार्डों को तनख्वाह देने के बाद में अकाउंट से पैसा उनसे लेती है। कई कर्मचारियों की इस बार की शिकायत का हवाला देके ऐसा ये वसूली करते हैं। देखिए, ये हवाला नहीं देते हैं, ये लोग यही कहते हैं कि ऐसा है कि हमने वेतन आपको ज़्यादा दे दिया है, आप 2000 रुपये हमको रिटर्न करिए। ऐसे में कितने कर्मचारी होंगे, कितने गार्ड काम कर रहे हैं? टोटल हमारे यहाँ मिला करके आउटसोर्सिंग कर्मचारी 7 से 8 हज़ार हैं और परमानेंट मिला करके टोटल हम लोग 11 हज़ार कर्मचारी यहाँ पे। को जो तय मानदेय है उसके हिसाब से सैलरी नहीं दी जा रही है, इसको लेकर की श्रम आयुक्त ने जांच भी की थी। जांच में क्या कुछ सामने आया और संविदा कर्मियों को राहत और न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, संविदा कर्मियों के प्रति हमारा पूरा प्रशासन बहुत तरीके से संवेदनशील है पूरी तरीके से, और हम सब लोग ये चाहते हैं कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। ये हम लोग का अपना एक पर्सनल व्यू है। कुछ दिक्कतें उसमें थी जिसको लेकर के श्रम आयुक्त के यहाँ एक कमेटी बनी थी, अभी 20 तारीख को उसकी बैठक श्रम आयुक्त साहब ने बुलवाई थी वहाँ पे। लेकिन कुछ जो वेंडर्स हैं जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू यहाँ पे हम लोग के यहाँ मानव शक्ति को उपलब्ध कराते हैं, उनमें से कुछ वेंडर्स पहुँचे नहीं थे। तो अभी श्रम आयुक्त साहब ने शायद अगस्त में कोई डेट फिर से फिक्स करने को कहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगस्त में 15 अगस्त के पहले ये कम्प्लीट होकर के जाँच समिति और उसके रिकमेंडेशंस आ जाएंगे, और जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे उसको हमारे यहाँ सिटी काउंसिल की बैठक में रख करके उसको पास करा करके उनको उनका पालन किया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया कि जो निर्धारित वेतन है उसमें भी अवैध वसूली करी जाती है? नहीं, हमारे संस्थान से कोई किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाती है। अब जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज अगर लगा रही हैं और वो किस कुछ वसूली कर रही हैं अगर किसी तरीके से, उसकी जानकारी हम लोगों को होती नहीं है। अगर सर इस पूरे मामले को लेकर जो आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज वसूली कर रही हैं, अगर आपके संज्ञान में आता है तो आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो जो भी नियत कार्रवाई होगी उनको ब्लैकलिस्ट करने की या उनको चेंज करने की, जो हमारी नियम और शर्तों में टेंडर्स में कही गई हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का भी उल्लंघन है तो ये केजीएमयू प्रशासन का अधिकार होता है कि वो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। ऐसा भी है सर कि पहले से जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी उन्होंने दोबारा नई फॉर्म बना के इसमें ठेका लिया है? अब इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी टेंडर किए जाते हैं उनमें कागज़ों की जांच पड़ताल की जाती है। अब अगर किसी ने मान लीजिए किसी और नाम से किसी अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। सर, ऐसे में आउटसोर्सिंग में कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे इस समय? जी, इस समय लगभग 1500 कर्मचारी के आसपास मुझे लगता है पूरे यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे होंगे। लखनऊ से KKD न्यूज़ के लिए विवेक कश्यप।